हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अतुल अग्रहरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो और आने वाले इस नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी मनोकामना है। और लो, समझ लो, यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने बीए थर्ड ईयर जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है, राजनीति विज्ञान के तीनों पेपर का जो है सिलेबस आपको हमने बता दिया था। ठीक है, सिलेबस बता दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको पढ़ना है पश्चात राजनीतिक विचारक। पश्चात राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आपको पश्चात का मतलब पश्चिम के देशों में जो राजनीतिक विचारक हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और उस क्रम में जो हमारा सबसे पहला विचारक है वो प्लेटो। तो मुख्यतः आज हम क्या करेंगे, प्लेटो के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट पेपर आपका जो है वो पश्चात राजनीतिक विचारक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, पश्चात का मतलब क्या है, पश्चिम के देशों में निवास करने वाले, मतलब पश्चिम में जो देश है उसमें निवास करने वाले राजनीतिक विचारक को हम पश्चात राजनीतिक विचारक बोलेंगे। ठीक है, राजनीतिक विचारक का मतलब क्या है, यहाँ पर राजनीतिक विचारक वे लोग होते हैं जो किसी देश की राजव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के कर्तव्य कैसे होना चाहिए अपने देश के प्रति, मतलब कि पूरी राजव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं वो कैसे होने चाहिए, किस तरीके से एक राजव्यवस्था, एक देश चलना चाहिए, उसके बारे में ये अपने विचार, अपने अवधारणाएँ, अपने सिद्धांत देते हैं। जो लोग ये विचार, अवधारणाएं, सिद्धांत देते हैं वो मतलब कि राजनीतिक विचारक होते हैं। अब पश्चिम में जो लोग हुए हैं उनको हम पश्चात बोलेंगे, मतलब कि पश्चिम में जो राजनीतिक विचारक हुए हैं, पश्चिम के देशों में जो है वो पश्चात राजनीतिक विचारक हैं। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी कि जो राजव्यवस्था के बारे में अपने विचार दें, अपने तर्क दें, अपने अवधारणाएं दें वो राजनीतिक विचारक होते हैं, और जो पश्चिम के देशों में निवास करने वाले राजनीतिक विचारक हैं उनको पश्चात राजनीतिक विचारक बोलेंगे। तो इसी क्रम में जो पश्चिम में हमारे सबसे पहले विचारक हुए वो प्लेटो महोदय हुए। तो बेसिकली आज हम प्लेटो के जीवन परिचय देखेंगे, इसकी रचनाओं को देखेंगे, या फिर इसकी रचनाओं को हम संवाद भी बोलते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कहीं पर लिखा मिलेगा तो संवाद ही आपको लिखा मिलेगा। इसकी रचनाओं को संवाद हम इसलिए बोलते हैं कि जब इसकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और ये उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, मतलब एक तर्क वितर्क हो रहा है, जैसे उसमें एक संवाद हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रचनाओं को हम क्या कहते हैं, संवाद बोल देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जीवन परिचय के बारे में हम संक्षिप्त इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, प्लेटो के बारे में एक हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पहले समझ लेते हैं। तो संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो था कौन। प्लेटो जो था ये एथेंस का बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक था। एथेंस कहाँ पर है, तो यूनान में है, और इसके गुरु का नाम है सुकरात। सुकरात भी एथेंस का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में सुकरात के बारे में कि वो बहुत बड़ा दार्शनिक था। वो मतलब उसकी बातें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी, खास तौर से युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। जो वहाँ के युवा थे वो सुकरात के बिल्कुल फैन थे, मतलब उसकी बातों में इतना दम हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा आरोप गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगा दिया, कहा कि तुम युवाओं को भड़का रहे हो, इनके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति जो है इनको भड़का रहे हो। तो इसकी वजह से उसको मृत्युदंड दे दिया गया था 399 BC में। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। तो प्लेटो के बारे में ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था, अपने एक बेस बना लिया कि प्लेटो कौन था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो है आपको नोट करने हैं। ठीक है, आप कुछ पॉइंट नोट करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए प्लेटो सबसे पहले देखते हैं कहाँ का था। तो अभी हमने आपको बताया कि एथेंस का था ये। एथेंस कहाँ पर है, तो यूनान में है। ठीक है, अब प्लेटो के गुरु का भी हमने नाम बताया आपको,
प्लेटो को गुरु कौन था? सुकरात था। सुकरात कहाँ का निवासी था? तो ये भी एथेंस का था, ठीक है, एथेंस का था। एथेंस कहाँ पर है? यूनान में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटो का जन्म कब हुआ। जन्म स्थान के बारे में तो हमें पता चल गया कि एथेंस का था, तो एथेंस में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म इसका हुआ 428 BC में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 428 BC बोलो या फिर ईसा पूर्व बोल लो, ठीक है। तो प्लेटो का जो जन्म होता है वो 428 ईसा पूर्व में होता है, मतलब कि BC में होता है। इसके माता पिता का नाम देख लेते हैं, तो इसके पिता का नाम था अरिस्तोन। क्या नाम था इसके पिता का नाम? अरिस्तोन। तो इसके पिता का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पर। और इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था पेरिक्टोन। क्या था इसकी माता का नाम? तो इसकी माता का नाम था पेरिक्टोन। तो हमने एक बेसिक परिचय देखा कि प्लेटो जो है इसका जन्म होता है एथेंस के एक कुलीन परिवार में। इसका जन्म होता है कहाँ पर? एथेंस के एक कुलीन परिवार में इसका जन्म होता है। अब कुलीन परिवार से हमारा क्या अभिप्राय है? कुलीन परिवार का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? उच्च कुल होता है। तो प्लेटो का जन्म जो है एथेंस के, यूनान के एथेंस में एक कुलीन परिवार में होता है। कुलीन परिवार का मतलब हमने बताया आपको उच्च कुल होता है, मतलब उच्च कुल में इसका जन्म हुआ तो सामाजिक रूप से इसको बढ़िया स्थान प्राप्त था, उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। सामाजिक रूप से, जैसा कि आज भी ये धारणा बनी हुई कि उच्च कुल में लोग जो पैदा होते हैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा मिलती है, तो उस समय में भी ऐसा रहा है, ठीक है। तो उच्च कुल में जन्म लेने की वजह से इसको जो है सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त थी। अब उच्च कुल के ये राजघराने में पैदा हुआ था, ठीक है, एक संपन्न फैमिली में ये पैदा हुआ था, आर्थिक रूप से संपन्न फैमिली में पैदा हुआ था, ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न फैमिली में पैदा हुआ था। तो मतलब कि इसको आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि ये आर्थिक संपन्न था, ठीक है, सामाजिक रूप से भी ये संपन्न था, आर्थिक रूप से भी ये संपन्न था, और ये शारीरिक रूप से भी संपन्न था, शारीरिक रूप से भी ये संपन्न था, सुंदर था, ठीक है, सुंदर था। प्लेटो जो है एक पहलवान भी था, ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि प्लेटो जो है एक पहलवान भी था, शारीरिक रूप से स्वस्थ, बिल्कुल सुंदर था ये, मतलब कि बिल्कुल हैंडसम था, ठीक है। प्लेटो जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसको अच्छी खासी प्राप्त थी, आर्थिक रूप से इसके कोई समस्या नहीं थी इसको, और बिल्कुल स्वस्थ हष्ट-पुष्ट पहलवान था। इसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ी, जिसमें इसने मेडल भी जीते, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसने कुश्तियाँ जीती। और वहीं पर एक निकल के एक पॉइंट आता है जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि ये पहलवान था तो डेफिनेटली जो है इसके सीना, इसके जो वक्ष स्थल है और इसके जो कंधे हैं वो चौड़े थे, ठीक है। तो इसी रूप में जो है प्लेटो का, दोस्तों वास्तविक नाम प्लेटो नहीं था, प्लेटो का जो जन्म, जैसे कि होता नहीं है कि हम लोग का घर में कुछ और नाम होता है और स्कूल में कुछ और नाम हो जाता है, तो इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार प्लेटो का भी ऐसा ही हुआ। इसके सीने और कंधे चौड़े होने की वजह से इसके जो योग गुरु थे उसने कहा, पहले तो इसका हम वास्तविक नाम जान लेते हैं कि बचपन में इसका क्या नाम था। तो बचपन में जो इसका नाम था, यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो बचपन का इसका हम नाम देखेंगे, तो बचपन का इसका जो नाम था अरिस्टोक्लीज था, अरिस्टोक्लीज। क्या नाम था? अरिस्टोक्लीज, ठीक। इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? अरिस्टोक्लीज था। लेकिन इसके जो कंधे थे चौड़े थे, वक्ष स्थल इसका चौड़ा था, तो इसके योग गुरु ने, किसने? योग गुरु जो थे इसके, जो इसे योगा सिखाते थे, इसको कुश्ती लड़ना सिखाते थे, तो उन्होंने देखा कि इसके सीने जो चौड़े हैं, कंधे चौड़े हैं, तो यूनान भाषा में एक शब्द है, यूनानी भाषा में एक शब्द है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो यूनानी भाषा में एक शब्द है प्लेटो, जिसका अर्थ होता है चौड़ा, जिसका अर्थ क्या होता है? चौड़ा होता है। तो चूंकि प्लेटो का सीना और इसका कंधा चौड़ा था, तो इसके योग गुरु ने इसको नाम दे दिया प्लेटो। आई होप कि आपको, आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेटो नाम क्यों पड़ा इसका, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आप लोग इसके बचपन का नाम ध्यान में रखेंगे, क्या था? अरिस्टोक्लीस था, ठीक है।
तो आइए एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। देखिए, प्लेटो जो था ये एथेंस में इसका जन्म हुआ, एक कुलीन परिवार में इसका जन्म हुआ। तो मतलब ये कुलीन का मतलब क्या है, उच्च कुल है, ठीक है। इसके गुरु का नाम देखें तो इसके गुरु का नाम सुकरात था, जो कि एथेंस का ही निवासी था। एथेंस का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। इसको जहर का प्याला देके मार दिया जाता है 399 BC में, या फिर 399 ईसा पूर्व में। इसमें जहर का प्याला देके मार दिया जाता है, ठीक है। प्लेटो का जन्म होता है 428 BC में, 428 ईसा पूर्व में होता है। इसके पिता का नाम क्या है, इसके पिता का नाम है अरिस्टॉन, और इसकी माता का नाम क्या है, इसकी माता का नाम है पेरिक्टॉन। प्लेटो जो है ये सामाजिक रूप से इसको उचित प्रतिष्ठा प्राप्त थी, सामाजिक रूप से संपन्न था, क्योंकि ये उच्च कुल में जन्म लेने की वजह से इसको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त था। आर्थिक रूप से भी ये संपन्न था, शारीरिक रूप से ये सुंदर था, दिखने में हैंडसम था। तो ये प्लेटो के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसका हम संक्षिप्त परिचय देख चुके हैं। अब इसकी थोड़ी सी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी एजुकेशन क्या हुई, इसकी शिक्षा क्या हुई, कैसे हुई, वो देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो शिक्षण कार्य हुआ, ठीक है, शिक्षण कार्य इसका कैसे हुआ। तो प्लेटो जो है, प्लेटो का जो शिक्षण कार्य हुआ, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा हम बोलेंगे, प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो एथेंस में हुई। कहाँ पर, एथेंस में। इसने 20 वर्षों तक इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है 20 वर्षों तक चली, और 20 वर्ष तक इसने एथेंस में अध्ययन किया। तत्पश्चात जो है, इसके बाद 20 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात जो है, एथेंस में ही सुकरात की एक विद्यालय था, सुकरात का एक बहुत फेमस विद्यालय था, जिसमें जो है प्लेटो को भेज दिया जाता है। प्लेटो को कहाँ भेजा जाता है, सुकरात के विद्यालय में भेज दिया जाता है, सुकरात के विद्यालय में प्लेटो को भेज दिया जाता है। कब भेज दिया जाता है, जब इसकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। 20 वर्ष लगते हैं इसकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने में। उसके बाद जो है सुकरात के विद्यालय में प्लेटो को भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये 8 वर्षों तक, कितने दिनों तक, 8 वर्षों तक अध्ययन करता है सुकरात के विद्यालय में। जब ये 28 वर्ष का हो जाता है, तो उसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है। बहुत बड़ी घटना क्या घटती है, कि जो सुकरात है इसको जहर का प्याला देके मार दिया जाता है। 399 BC में इसको जहर का प्याला देके मार दिया जाता है, किसको, सुकरात को। जब ये सुकरात की मृत्यु हो जाती है, तब प्लेटो के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसा कि ये संपन्न फैमिली था, हष्टपुष्ट था, दबंग आदमी था, पहलवान भी था, तो ये स्वाभाविक है कि राजनीतिक मामलों में ज़्यादा पड़ता था, और इसकी जो इच्छा थी वो राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। लेकिन जब इसके सबसे श्रेष्ठ गुरु और सबसे प्रिय गुरु सुकरात को जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो इसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और क्योंकि इसने अपने गुरु को जो है बिना दोष के जहर का प्याला पीता हुआ देखा था, तो इसलिए ये फैसला लेता है कि अब मुझे राजनीतिक जीवन में नहीं जाना है, अब मुझे राजनीतिक जीवन को नहीं अपनाना है, बल्कि राज व्यवस्था को कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से उसमें निवास करने वाले लोगों के साथ न्याय हो, और किस तरीके से देश का, राष्ट्र का विकास हो, उसके बारे में मैं अपने विचार दूंगा। इसलिए पूर्ण रूप से यह दार्शनिक बनने का फैसला कर लेता है कि अब हम राजनीतिक जीवन नहीं अपनाएंगे, अब हम दार्शनिक का जीवन बिताएंगे। 399 BC की घटना, ईसा पूर्व की ये घटना है, जब प्लेट सुकरात को जो है जहर का प्याला दे दिया जाता है। तो उसी समय जो है ये 28 वर्ष का होता है, और इसी समय ये फैसला ले लेता है कि अब मुझे राजनीतिक जीवन में नहीं जाना है, अब मुझे दार्शनिक बनना है। उसी के संदर्भ में जो एक फोस्टर महोदय हुए, इन्होंने कहा कि प्लेटो के जीवन में यह मोड़ जो है 399 BC में आया, जब वह 28 वर्ष का था। तो देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें जब आप तथ्यों को, किसी महान विचारक के तथ्यों को, उनके स्टेटमेंट को जब आप राइट कर देते हैं, तो आपका जो उत्तर होता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आप ये बात जरूर लिखें कि फोस्टर महोदय ने कहा कि प्लेटो के जीवन में यह मोड़ 399 BC में आया, जब वह 28 वर्ष का था। सुकरात के जीवन से प्लेटो इतना ज़्यादा प्रभावित था कि सुकरात के जितने भी विचार थे, प्लेटो
प्लेटो के विचारों से बहुत काफ़ी हद तक मैच होते थे। मतलब कि सुकरात के जीवन से प्लेटो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसीलिए मैक्सी एक विचारक हुआ। मैक्सी ने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। तो इनका स्टेटमेंट काफ़ी बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, ये किसने कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सी ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या कहने चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है प्लेटो के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये जानना चाहता था कि अन्य देशों की जो राज व्यवस्थाएं हैं, अन्य देशों का जो सिस्टम है देश को चलाने का, वो कैसा है। मतलब एक सर्वोत्तम राज व्यवस्था की खोज करने के लिए देशों का भ्रमण करने लगा, क्योंकि बिना अपराध के इसके गुरु को मार दिया गया था। इसलिए राज व्यवस्था एक उत्तम, एक सर्वोच्चतम, जो सबसे उत्तम हो, ऐसी राज व्यवस्था की खोज में ये भ्रमण करना इसने शुरू कर दिया। और इसने 3 देशों का भ्रमण किया। उनमें से थे इटली, पहला था इटली, दूसरा था यूनान। यूनान के देशों का भ्रमण किया, इटली के नगरों का हम बोलेंगे, ठीक है, इटली के नगरों को भ्रमण किया, यूनान के नगरों का भ्रमण किया, और तीसरा था मिस्र के नगरों का भ्रमण किया। भ्रमण करने का इसका उद्देश्य यही था, इनके नगरों को घूमने का उद्देश्य इसका यही था कि एक सर्वोत्तम हम राज व्यवस्था की खोज कर सकें, एक सर्वोत्तम राज व्यवस्था प्रणाली की हम विशेषताओं को जान सकें कि किस तरीके से जो है एक जो उचित राज व्यवस्था है, जहाँ पर लोगों के साथ न्याय होता है, जहाँ पर सरकार जो है लोगों के विकास पर ध्यान देती है, और एक शांतिपूर्ण व्यवस्था है जहाँ पर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं वहाँ के लोग, ऐसी राज व्यवस्था की खोज में इटली, यूनान और मिस्र जैसे देशों के नगरों के भ्रमण करता है, ठीक है। भ्रमण करते करते जो है ये 12 वर्ष बिता देता है। 12 वर्षों बाद जो है इसको अपने पितृभूमि की, अपने मातृभूमि की याद आती है कि मुझे एथेंस जाना है और वहाँ की राज व्यवस्था में सुधारनी है। तो ये सोचता है कि यदि राज व्यवस्था हम सुधारने का जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि वहाँ की एजुकेशन को डेवलप किया जाए, ये ऐसा समझता है। तो ये एथेंस इसकी पितृभूमि की याद ने फिर से लौटा दिया इसको एथेंस। ये एथेंस पुनः आ जाता है। एथेंस आने के बाद यह निर्णय करता है कि अब मुझे एक विद्यालय खोलना चाहिए, एक एकेडमी खोलना चाहिए। तो प्लेटो भी एक अकादमी खोलता है। कहाँ पर खोलता है? एथेंस में, ठीक है। प्लेटो क्या करता है, एक एकेडमी खोलता है, हिंदी में अकादमी बोलेंगे इसको। तो 12 वर्ष के भ्रमण के पश्चात प्लेटो ने अपनी अकादमी शुरू की, और इसकी अकादमी जो है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अभी जाना जाता है। प्लेटो की अकादमी जो है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में फेमस है, मतलब इसको जाना जाता है, इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब प्लेटो जो है अपना शेष जीवन क्या करता है, राजनीतिक जीवन अपनाने की तो बात उसने बहुत पहले 12 साल पहले ही छोड़ दी थी। अब ये क्या करता है कि अपनी अकादमी में शिक्षक के रूप में लगभग 49 से 50 साल जो इसका जीवन बचा हुआ है वो यहाँ पर गुजारता है। कहाँ पर गुजारता है? अपनी अकादमी में एक शिक्षक के रूप में गुजारता है और एक दार्शनिक के रूप में गुजारता है, ठीक है। इसकी अकादमी में जो है कुछ मुख्य विषय पढ़ाए जाते थे, उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी अकादमी में जो मुख्य विषय पढ़ाए जाते थे वो इस प्रकार थे, आइए हम देखते हैं। इसकी अकादमी में जो है वो राजनीति राजनीति पढ़ाया जाता था पहला, दूसरा पढ़ाया जाता था दर्शन, और तीसरा तीसरा जो है कानून पढ़ाया जाता था, मतलब कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो राजनीति, दर्शन और कानून, ये तीन मुख्य विषय थे जो प्लेटो की अकादमी में पढ़ाए जाते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रधानता दी जाती थी वो मैथमेटिक्स को दी जाती थी, गणित को दी जाती थी। प्लेटो की अकादमी में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती थी वो गणित को दी जाती थी, मैथ को दी जाती थी, ठीक है, मैथमेटिक्स को। इस बात की पुष्टि के लिए कि मैथ को प्रधानता दी जाती थी, जब इसकी अकादमी का जो फ्रंट गेट है, जो मेन गेट है, उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश ना करे।
तो इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर जो प्रधानता थी वो गणित की थी। बेशक वहां पर राजनीति, दर्शन और कानून पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्रधानता किसकी थी? गणित की थी, क्योंकि इसके मुख्य गेट पर, मुख्य दरवाजे पर ही लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश ना करें। तो इसकी अकादमी के बारे में कुछ विशेषताएं हो गई, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो प्लेटो जो है, प्लेटो के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ कब आ जाता है? 399 BC में। और एक ये सर्वोच्चतम राजव्यवस्था की खोज करने के लिए देशों का भ्रमण करना शुरू कर देता है। उसी दौरान यह इटली, यूनान और मिस्र के नगरों का भ्रमण करता है। ठीक है, 12 वर्ष पश्चात इसको अपने पितृभूमि की, अपने मातृभूमि की पुनः जो है याद आती है, याद सताती है। तो ये क्या करता है कि अपने एथेंस में फिर से आ जाता है ये, और वहाँ पर एक अकादमी की स्थापना करता है जो यूरोप का प्रथम महाविद्यालय बना, यूरोप का प्रथम महाविद्यालय बना। और इसके विद्यालय में जो है राजनीति, दर्शन और कानून तीन विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्रधानता किसकी थी? प्रधानता थी मैथ की, क्योंकि इसके फ्रंट गेट पर ही लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करें। आई होप कि आपको ये रिकॉल हो गया होगा, फिर से एक बार रिकॉल करके आपको याद भी हो गया होगा। तो इसी क्रम में अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्लेटो के बारे में जो है हमने बेसिक सारी चीज़ें अब पढ़ ली हैं, अब सिर्फ इसका देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो मृत्यु है, कि इसकी मृत्यु, डेथ कब होती है। तो इसने लगभग अपने 49 से 50 वर्ष जो है अपनी अकादमी में बिताए। एक दार्शनिक और एक शिक्षक के रूप में जो है यहाँ पर 49 से 50 वर्ष बिताए, और सैकड़ों विद्यार्थियों को इसने पढ़ाया। लेकिन इसका जो सबसे फेमस स्टूडेंट हुआ वो अरस्तु को इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो के बाद हम अरस्तु को ही पढ़ने वाले हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो लगभग 100 से ज़्यादा इसने स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन सबसे फेमस इसका स्टूडेंट कौन हुआ? अरस्तु। और यहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग जब मृत्यु होती है तो ये 81 वर्ष का होता है, 81 वर्ष का ये हो जाता है। 81 वर्षों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 347 BC में। मृत्यु कब होती है? 347 BC में, ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा प्लेटो का जीवन परिचय। अब हम बढ़ते हैं इसकी रचनाओं की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्लेटो के संवादों को या फिर इसकी रचनाओं को। तो देखिए, प्लेटो के संवाद, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, ठीक है, इसकी रचनाओं को संवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो शैली है ये वार्तालाप शैली है। कैसी शैली है? वार्तालाप। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसमें वार्तालाप हो रही है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उसके जवाब दिए जा रहे हैं। तो शैली इसकी ध्यान में रखेंगे, वार्तालाप, इसीलिए इसको संवाद कहा जाता है। ठीक है, संख्या की बात करें कि प्लेटो की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो प्लेटो की कुल 36 रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको हम देखेंगे। बाकी इसकी टोटल रचनाएं कितनी हैं? 36, 36 हैं। ठीक है, आप लोग इनको नोट कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ठीक है, पहली जो है अपोलॉजी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग नोट करते चलेंगे। दूसरी क्रीटो है, तीसरी हमारी मीनो है, चौथी हमारी प्रोटेगोरस है, और पांचवी जो पुस्तक है वो है गोर्जिया। इन पांचों पुस्तक की इसने रचना जो है 34 वर्ष की उम्र में कर दिया था। ठीक है, इन पांचों पुस्तक की रचना जो है इसने 34 वर्ष की उम्र में कर दिया था। बाकी रिपब्लिक, फ्रेड्स, फेडो, इनकी रचना जो है इसने 20 वर्ष में किया। कब किया है? 20 वर्ष में। आगे आते हैं हम, स्टेट्समैन, फिल्बस, क्रिसस और लाज, ये चार ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी रचना जो है प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किया। ठीक है, जीवन के अंतिम चरण में इसकी रचना की, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है 347 BC में, ईसा पूर्व में, तो उसके बाद स्टेट्समैन, फिल्बस, क्रिसस और लाज, ये चार पुस्तकें जो हैं पब्लिश होती हैं, प्रकाशित होती हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और आती है, यदि आपको प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, या फिर राजव्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके संदर्भ में प्लेटो के विचार, राजनीतिक विचारों को पढ़ना है,
तो मुख्यतः आपको तीन पुस्तकें पढ़ने की जरूरत होगी। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है रिपब्लिक, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो स्टेट्समैन। मैं इसको ब्लैक मार्कर से आपको डिनोट कर देता हूँ। पहली पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक है। दूसरी पुस्तक स्टेट्समैन है। और हमारी जो तीसरी पुस्तक वो है लार्ज। यदि स्टेट्समैन, लार्ज और रिपब्लिक ये तीनों पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप इसकी राजव्यवस्था, इसके राजव्यवस्था के संदर्भ में इसके विचार क्या हैं, न्याय के संदर्भ में इसके विचार क्या हैं, शिक्षा के संदर्भ में इसके विचार क्या हैं, तो इन तीनों पुस्तक को पढ़कर आप समझ जाएंगे, ठीक है, इसके सारे विचारों को। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसकी जो रिपब्लिक पुस्तक है ये सबसे फेमस पुस्तक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणराज्य होता है। रिपब्लिक का हिंदी में क्या बोलेंगे? गणराज्य, ठीक है। प्लेटो की जो सर्वोत्तम सबसे फेमस पुस्तक हुई वो हुई रिपब्लिक। अभी हम इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो ने अपने न्याय का जो सिद्धांत दिया वो दिया है रिपब्लिक में। किस में दिया है? रिपब्लिक में ही दिया है अपने न्याय का सिद्धांत, ठीक है। और इस पुस्तक में जब आप न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या करता है कि न्याय की प्रकृति और न्याय कहाँ पर निवास करता है, न्याय का अधिवास जिसको हम बोलेंगे, न्याय कहाँ पर निवास करता है, मुख्यतः इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। न्याय की प्रकृति क्या होनी चाहिए और ये न्याय का अधिवास कहाँ पर है, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, उसके संदर्भ में इस पुस्तक में रिपब्लिक में ज़्यादा बल दिया गया है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि रिपब्लिक को अन्य किस शीर्षक के नाम से जानते हैं या फिर रिपब्लिक का अन्य टाइटल क्या है, ठीक है। तो रिपब्लिक को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक को हम लोग न्याय भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रिपब्लिक का एक शीर्षक और है जिसका है कंसर्निंग जस्टिस, जो है कंसर्निंग जस्टिस। तो जो है प्लेटो के संवाद या फिर इसकी रचनाओं के बारे में आप लोग इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाए और क्लियर हो जाए। प्लेटो के रचनाओं को हम संवाद भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शैली जो है वार्तालाप है, ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पूछे और बताए जा रहे हैं। टोटल संख्या की बात करें तो 36 है, 36 इसने कुल रचनाएं की हैं जिसमें है अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, गोर्जिया, रिपब्लिक, फ्रेट्स और फेडो। इन पांच पुस्तकों की इसने रचना 34 वर्ष की उम्र में की और इन तीन पुस्तकों की रचना इसने 20 वर्ष की उम्र में की। जब जीवन का इसके अंतिम चरण आया तो अंतिम चरण में अपने जीवन के इसने स्टेट्समैन, फिलबस, क्रिसस और लार्ज पुस्तक की रचना की। लेकिन ये पुस्तकें जो है पब्लिश कब हुई? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद ये पुस्तकें पब्लिश होती हैं। यदि आपको प्लेटो के राजव्यवस्था के संदर्भ में क्या विचार हैं, ठीक है, राजनीतिक, उसके प्लेटो के राजनीतिक विचारों का आपको अध्ययन करना है तो प्लेटो की आपको तीन पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। पहला रिपब्लिक पढ़नी पड़ेगी, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरी पुस्तक जो है हमारी लार्ज है। यदि आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखना है तो मुख्यतः आपको प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। इसमें इसने न्याय सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से बताया है और इस पुस्तक की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो न्याय का सिद्धांत ही है, इसलिए इसको कंसर्निंग जस्टिस का टाइटल दिया जाता है, कंसर्निंग जस्टिस का इसको शीर्षक दिया जाता है जिसको हिंदी में हम बोलेंगे न्याय। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक हुई उस पर उसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए या फिर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है इस पर हम एक 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक की पूरी विषय वस्तु को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो 10 15 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो हम किसी और दिन देखेंगे। नेक्स्ट डेज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 2 तारीख को हम देखने वाले हैं। रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।